फ्रेंड्स, क्या आप भी सर्च कर रहे हैं एक प्रीमियम प्रॉपर्टी, वो भी न्यू चंडीगढ़ में? तो आज आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एड्रेस में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और लग्जरी प्रॉपर्टी। बट इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं लोकेशन की। तो आज मैं आपको लेके आया हूं DLF न्यू चंडीगढ़ में। आई थिंक DLF के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ और मोहाली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपको न्यू चंडीगढ़ के लिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो चंडीगढ़ से डिस्टेंस रहेगा न्यू चंडीगढ़ का, वो सिर्फ 0 किलोमीटर है। और अगर आप न्यू चंडीगढ़ को और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जहां पर आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं न्यू चंडीगढ़ का। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बात लोकेशन की, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीमियम प्रॉपर्टी, तो आज जिस प्रॉपर्टी में मैं आपको लेके आया हूँ, ये बेसिकली 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का कंसेप्ट रहेगा। जैसा कि ठीक आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, स्टिल्ट में आपको कवर कार पार्किंग मिलने वाली है, और उसके ऊपर 4 फ्लोर आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि स्टिल्ट प्लस 4 का कंसेप्ट ये रहने वाला है। और जो प्लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 250 गज का प्लॉट साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस, जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे। और यहाँ पर आपको स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों की ऑप्शन आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम चलते हैं 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का सैंपल फ्लैट देखने। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम एंटर कर चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करते हैं, आता है हमारा ड्राइंग एरिया। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो ड्राइंग एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ, करीब करीब 12x14 का जो ड्राइंग रूम है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। बट उससे पहले एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस फ्लैट में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप चाहें एज इट इज़ जो फर्निश फ्लैट है, आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगी। अगर आप रॉ लेना चाहें, उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना चाहें, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम के ठीक सामने आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा स्लाइडिंग डोर यहाँ पे मिलता है, जहाँ से आपको एक्सेस मिलती है आपकी फ्रंट बालकनी में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो बालकनी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो देखा फ्रेंड्स, ये था हमारी फ्रंट बालकनी। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी स्पेशियस जो ड्राइंग एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड अगेन आप देखेंगे पूरे ही घर में जो प्री इंस्टॉल्ड AC की पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ड्राइंग एरिया के ठीक सामने आता है आपका डाइनिंग एरिया। आप देखेंगे यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। इवन आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ का डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी चारों ही तरफ काफ़ी अच्छी जो मूविंग का स्पेस यहाँ आपको मिल जाता है। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर आप चाहें सेपरेशन करना ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में, तो इस जगह आप चाहे कोई फैब्रिकेशन या जो वुड वर्क है उसका यूज़ करके इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैट है, जो फ्लोर है 3+1, यानी कि 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम का कंसेप्ट इसमें रहता है। तो ठीक राइट हैंड साइड में जो आप ये स्पेस देखेंगे, इसको अगर आप चाहें फुल टाइम सर्वेंट रूम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप एज ए स्टोर या एज ए स्टडी रूम भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोर से निकल के फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जो फर्स्ट बेडरूम है वो फ्लोर की जो फ्रंट साइड है वहां पे आपको मिलता है।
तो इसके भी अगर मैं साइज की बात करूं, 12x14 का जो बेडरूम साइज है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब देखिए कितना स्पेस है। अगर आप चाहें यहाँ 2-सीटर जो सोफा सेट है या अपने सीटिंग का अरेंजमेंट आप इजीली कर सकते हैं, उसके बाद भी काफी यहाँ पे मूविंग का आपको स्पेस मिल रहा है। एंड अगेन पूरे ही एक आप देखेंगे इस साइड बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है। एंड अगेन स्लाइडर डोर यहाँ पे आपको मिलता है, जो मैंने बालकनी आपको दिखाई थी आपके ड्रॉइंग एरिया से रनिंग बालकनी सेम अटैच रहेगी आपके इस फर्स्ट बेडरूम से भी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ बड़ा सा टीवी पैनल भी आपको मिलता है। उसके अलावा अगर आप मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग पूरे ही फ्लोर पे आपको मिलने वाली है कंसील लाइट्स के साथ। और बट जो डिज़ाइन है हर बेडरूम में या इवन ड्राइंग रूम में आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कस्टमाइज़ के ऑप्शन आपके पास है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जैसे भी चाहें इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा ही एरिया कवर किया गया है वार्डरोब से, एंड फुल हाइट की जो वार्डरोब है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप देखेंगे डबल डोर के साथ दो साइड पे आपको यहाँ पे वार्डरोब मिलते हैं। इवन ऊपर का जो स्पेस है उसको भी आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे नीचे भी आपको ड्रॉर दिए गए हैं ताकि अगर आप इसको चाहें तो शू रैक बना सकते हैं। उसके बाद आता है इसका अटैच वॉशरूम। इसके भी आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ बाथ फिटिंग की, सारी ही जैगुआर की फिटिंग्स आपको मिलने वाली है पूरे ही फ्लोर पे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो जैसा कि डाइनिंग एरिया के ठीक सामने आ जाता है हमारा किचन। इसके अगर मैं साइज की बात करूँ, यहाँ भी आपको 8.5x10 का काफ़ी स्पेशियस किचन यहाँ पे आपको मिलता है। आप देखेंगे फुली मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाला है एज इट इज, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्यूअल टोन में आपको यहाँ पे किचन मिल रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स ठीक सामने ये डबल सिंक आपको मिलता है आपके यूटेंसिल वॉशिंग के लिए। एंड अगेन मैं बात करूँ वेंटिलेशन की किचन में, तो वो भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन का जो प्रोविजन है वो भी आपको मिल जाता है किचन में। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ी सी जो पेंट्री है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके किचन के अंदर, और इसके ठीक ही साथ आपको मिल जाता है आपके फ्रिज के लिए एक स्पेस। तो किचन के बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके अगर मैं साइज की बात करूं, यहां भी आपको करीब 12x11.5 का बेडरूम साइज मिलता है। अगेन काफी स्पेशियस बेडरूम यहां पे आपको मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉल सीलिंग, यहां अगर आप देखेंगे जो डिजाइन है फॉल सीलिंग का टोटली आपको चेंज मिलेगा। एंड अगेन इसका टीवी पैनल। और बात करूं स्टोरेज एरिया की, तो यहां भी देखेंगे जैसा हमने फर्स्ट बेडरूम में देखा था सेम साइज फुल लेंथ की जो वार्डरोब्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। कॉर्नर यूनिट होने की वजह से आप देखेंगे कि हर बेडरूम में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा जो विंडोस आपको मिल जाती है ताकि एक एक्स्ट्रा वेंटिलेशन आपके रूम में बनी रहे। एंड फ्रेंड्स यहाँ भी बालकनी अटैच रहेगी बैक बालकनी, तो आप देखेंगे यह स्लाइडिंग डोर है जहाँ से आप एक्सेस आपको मिल जाती है आपके बैक बालकनी के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है इसके अटैच वॉशरूम की, तो ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ स्पेस की, काफ़ी स्पेशियस जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। इसके अगर मैं साइज की बात करूँ, करीब करीब 12x13.5 का रूम साइज यहाँ पे आपको मिलता है आपके थर्ड बेडरूम में। यहाँ अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ, यहाँ पर टाइल आपको जो दी गई है वो वुड फिनिश की टाइल यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके अलावा अगेन फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ भी चेंज है। जैसा हमने अपने सेकंड बेडरूम में देखा था, यहाँ भी आपको एक्सेस मिल जाएगी आपकी बैक बालकनी के लिए। ये पूरा ही बड़ा सा विंडो यहाँ पे आपको मिलती है स्लाइडिंग डोर के साथ, आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी बैक बालकनी के लिए। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसके कबर्ड्स की, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे जो डबल कबर्ड्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगेन जैसा कि हमने पहले बेडरूम्स में देखा, यहाँ भी फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे मिल जाती है। एक स्पेशल चीज़ फ्रेंड्स जो इसका वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको थर्ड बेडरूम में मिल जाता है। आप देखेंगे काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके वॉशरूम में।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा 250 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ 3 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लोर। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको मिलने वाली है, फुल्ली फर्निश भी और रॉ, दोनों ही तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लोकेशन एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, DLF न्यू चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स अगर इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या इस फ्लैट को या इस पर्टिकुलर लोकेशन को आप विजिट करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।